और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया। निर्वाचन आयोग ने ये नोटिस भेजा है 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब अब इस पर मांगा गया है। मामला क्या है वो भी बताते चले, आचार संहिता के उल्लंघन का ये मामला जिसमें जवाब जो है वो मांगा गया है। जाति के नाम पर वोट मांगने को लेकर ये नोटिस इस वक्त, जिसमें जवाब अब आपको देना होगा 29 अप्रैल तक ये वक्त दिया गया है। बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नोटिस इस बाबत जारी हुआ है। 11 बजे तक का वक्त, 29 अप्रैल 11 बजे तक आपको जवाब देना होगा कि जाति को लेकर और जाति के नाम पर वोट कैसे मांगा गया और इस मामले में क्या तर्क दिया जाता है यह भी देखना होगा। तो सख्ती निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार जारी है। चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लागू है तो वहां पर किन शब्दों का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, इसका विशेष तौर पर पार्टियों को ध्यान रखना होगा। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से सख्ती भी दिख रही है। और अगली बड़ी खबर से आपको जोड़ते चले, यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अपनी मां के कहने पर, उनकी तरफ से यह कहा गया कि मां के कहने पर मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मनोज तिवारी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। तो यूट्यूबर मनीष कश्यप जिन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया है और उनकी मां की तस्वीर भी आपको दिख रही होगी जो वहां पर ठीक मनोज तिवारी के बगल में खड़ी हैं। मनोज तिवारी जो कि भाजपा के सांसद हैं और चुनावी मैदान में इस बार ताल भी ठोक रहे हैं, उनकी तरफ से मनीष कश्यप को जो कि यूट्यूबर है उन्हें सदस्यता बीजेपी के दिलाई गई। संजय मयूख की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। मेरे लिए खुशी का विषय है कि मेरा छोटा भाई मनीष कश्यप वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और बाकी हम हमेशा उनका सम्मान करेंगे, उनके योग्यता के अनुसार भविष्य में भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा सम्मान देगी। मनोज तिवारी भैया का बात नहीं काटना है और नरेंद्र मोदी जी की माँ जो है फैन है पहले से ही और नरेंद्र मोदी जी का वीडियो माँ हमेशा देखते रहती है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माँ ने कहा कि मनीष तुमको मैं मोदी जी के हाथों में सौंपती हूँ, तुम जाओ उनके साथ देश को मजबूत करो और राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं उनको तुम सामने लाओ, देश के सामने लाओ और उनको जो है मतलब कि जो भी है बस मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। तो बीजेपी में मनीष कश्यप के शामिल होने के बाद मनीष कश्यप से खास बातचीत की संवाददाता विनीता विनीत सिंह की तरफ से की गई है। मैं अपनी माँ की बातों को नहीं काट पाया क्योंकि मुझे पता था जब मैं जेल में था, जब तेजस्वी यादव जी और उनकी सरकार ने मुझे जेल में डलवा दिया था तो माँ मेरी जब कष्ट झेल रही थी तो उनको कौन कौन से लोगों ने साथ दिया। जब मैं अंदर था तो मनोज भैया, संजय मयूख भैया, विनोद तावड़े सर, उसके सुशील मोदी जी, विजय सिन्हा जी, ऐसे ऐसे अनेकों लोगों ने साथ दिया, अगर किसी का नाम छूट जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूं। तो जब मनोज भैया का फोन आया माँ के पास तो माँ ने बोला कि नहीं, उनका बात नहीं काटना है और मोदी जी के नेतृत्व में तुमको काम करना। अब बीजेपी के पक्ष में जो है आप चुनाव प्रचार करेंगे? मैं कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं था, मैं बस मेरी लड़ाई जो है बिहार का सबसे करप्ट परिवार जो है उससे है, जो किसी को भी दबा के जो है खत्म करना चाहता है लालू परिवार उससे है। तो मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। मनीष कश्यप की माँ भी हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। जी आप हमें बताइएगा कि मोदी जी की किस बात से आप प्रभावित हैं? एकदम वीडियो कॉल से हम देख रहे हैं, बहुत हमको अच्छा लगे। तो आज अपने बेटा को उनके पास सौंप रहे हैं कि मेरा बेटा को आगे बढ़ाए और उनको काम करे। मनीष जी आपको पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और फिलहाल